फिरोजाबाद के जिला उद्योग केंद्र कार्यालय पर आज क्रेडिट आउटरीच कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक मनीष सचिजा मौजूद रहे। इनके साथ स्टेट बैंक ऑफ फिरोजाबाद आरएम प्रदोष पुंडीर के साथ साथ अलग अलग बैंकों के बैंक कर्मचारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य था जो लोन जनता के लिए जिला उद्योग केंद्र कार्यालय को डूडा विभाग कार्यालय के पास किए गए हैं, वे किन किन बैंकों द्वारा जनता तक पहुँचाए गए हैं, जिसमें डूडा विभाग के अधिकारी ने ही महिला समूह को लेकर कई बैंकों को यह बताया कि करीब 35 आवेदन ऐसे हैं जिनकी फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है। उन सभी बैंक कर्मियों ने अपने बैंकों के नाम आने पर उनके आवेदनों के आवेदन के बारे में नोट किया और यह आश्वासन दिया कि दीपावली से पहले पहले उनका यह कार्य करा दिया जाएगा। वहीं अन्य आने वाली समस्याओं को लेकर दीपावली के बाद 10 नवंबर को फिर से एक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, उसमें भी अन्य कई बातों पर चर्चा की जाएगी। वहीं विधायक मनीष सचिजा ने कई बैंक कर्मियों को यह भी समझाया कि वह जनता को परेशान ना करें और उनका काम करें, जिससे भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की चलाई जा रही योजनाओं का उन्हें लाभ मिल सके। वहीं जिन आवेदनों का लोन पास हो गया है उनको चेक भी वितरण किए गए हैं। वहीं पत्रकारों के साथ आ रही लोन की समस्या को लेकर भी विधायक मनीष सचिजा ने बताया कि यह तो बड़ी बात है कि पत्रकारों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, अगर ऐसा है तो इस पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा और उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। देखिए, क्रेडिट आउटरीच कैंपेन प्रोग्राम है जो शायद 30 अक्टूबर तक चलना है, लेकिन हमारे फिरोजाबाद जनपद के लीड बैंक मैनेजर साहब ने मुझे बताया है कि अभी तो इनका ये अभियान चल रहा है, लेकिन इन्होंने 4-5 दिन पहले ही इस अभियान में जो इनको एक लक्ष्य पूरा करने के लिए दिया था 61 करोड़ करीब का, उसको पार करते हुए 62 करोड़ से ऊपर का ऋण वितरण कर लिया है और ये मुझे लगता है जैसा ये बता रहे हैं कि 80 करोड़ से ऊपर तक के लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। आज श्री पुंडीर जी जो LDM साहब हैं, आशीष जैन साहब जो RM स्टेट बैंक हैं और श्री पांडे जी जो GM DIC हैं और हमने बैठकर इन पूरे सब कार्य की समीक्षा करी है और समीक्षा में हमने पाया है कि स्वयं सहायता समूह हैं, किसान क्रेडिट कार्ड हैं और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है, स्वयं सहायता समूह हो गया, एग्री टर्म लोन्स हैं, एग्री इंफ्रा फंड हैं, एनिमल हस्बेंड्री के लोन्स हैं, मुद्रा के लोन हैं, इन सब में काम हुआ है। कई में काम अभी करने के लिए कुछ हमें और गैप है, हमने जिनको दिया है उनके प्रति तो ये एक हमारे लिए अचीवमेंट हो गया कि भी हमने उनके लिए ये काम कर दिया, लेकिन जिनके लिए हम नहीं कर पाए वो हमारे लिए चैलेंज है। यही मैंने आप लोगों से भी निवेदन किया है कि हम इसको चैलेंज लेंगे। उपस्थित जो सभी बैंक समूह के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी सहयोग देने के लिए हमें वचनबद्धता दी है। बैंक और योजना और लाभार्थी के बीच में जो सरकारी विभाग के अधिकारी हैं, जैसे डूडा विभाग है या कृषि विभाग है या जिला उद्योग केंद्र है या कोई और अन्य विभाग भी है, तो उनके अधिकारी भी इसमें कोऑर्डिनेशन के रूप में काम करते हैं। तो बैंकर्स हैं, विभाग है और पात्र है, इनके बीच का सही कैंप तालमेल बने और लोगों को उनको मदद मिल सके। इसके साथ साथ हमने ये निवेदन किया है LDM साहब से कि आज की इस बैठक के बाद जो हमारा गैप है हम उसको भी पूरा करने के लिए पूरा तैयारी करें, दिवाली से पहले पहले कितना और लोगों को मदद कर सकते हैं और फिर एक बार बैठें। तो लगभग 10 तारीख के आसपास की तारीख आप सब लोगों ने कहा हम तय कर लेंगे, तो उसके बाद फिर बैठेंगे और आप सब लोगों के माध्यम से इस प्रकार जन कल्याण और लोगों के बीच में उनके जीवन को सुधारने के लिए जो माननीय मोदी जी की योजनाएं हैं उसके एक बहुत सशक्त माध्यम आप सब लोग हैं, मीडिया के सम्मानित बंधु, तो आप सबको भी मैं आभार प्रकट करता हूं। बहुत क्वेश्चन है ना, जिला उद्योग से किसी पत्रकार की फाइल जाती है उसका बैंक से फाइल यहाँ से हो जाती है, लेकिन बैंक से जो सर्वे करने आता तो वहाँ पत्रकार लगा होता तो बड़ी दिक्कतें आती कि आप तो पत्रकार हो आपका लोन नहीं हो पाएगा, ये कई बार देखा गया है। ऐसा मेरे हिसाब से अगर ऐसी बात है तो ये देश के संविधान की एक तरीके से अवमानना है।
कि संविधान का जो प्रियम्बल है वो यही कहता है कि समान अधिकार, समान अवसर। इसलिए तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई आदमी को जाति में, धर्म से, पेशे से, स्थान से, उसके रूप रंग से, उसके आकार प्रकार, भाषा शैली भूषा से डिस्क्रिमिनेशन। संविधान की मूल आत्मा ही भेदभाव को दूर करती है। अब आप ये हो इसलिए ये काम नहीं होगा, ये तो भेदभाव हो गया। इसलिए मुझे भरोसा है कि अगर ये गलती वो कर रहे हैं तो करें नहीं, ये करना तो संविधान की भावना को चोट पहुंचाना है।